बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना बहुत ही हैप्पी वाला डे है, आज मेरे का बर्थडे, आप लोग भी हैप्पी बर्थडे विश करिएगा। अब ये मेरा बेटा नहा धो के हो गया है रेडी, और हमारी बिटिया रानी तो नहीं नहाई, तो अभी जा रहा है ये पूजा करने। जा यहाँ पे जा रहा है मेरा बेटा पूजा करने, अभी मेरे हस्बैंड भी नहा लिए, तो साथ में इसको भी नहला दिए बेटे को भी, तो वो पूजा किए। मैंने कहा मुझे तो लेट होगा, तो आप ही इसको पूजा भी करा दो और प्रसाद भी चढ़ा दो। प्रसाद लेकर आए थे ये, मिठाई लेकर आए थे स्वीट्स, तो उसके हाथ से ही चढ़वा दिए। मंदिर तो जा नहीं सकते क्योंकि स्कूल जाना है, तो अभी उतना अब टाइम नहीं मिल पाता। पहले छोटे थे स्कूल नहीं जाते थे, तो मंदिर चले जाते थे, अब तो स्कूल भी एबसेंट नहीं कर सकते। और बर्थडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बांटने होते हैं स्कूल में, मैम को देना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है पेड़ा चढ़वा दिया है, लड्डू गोपाल को रह गया था तो अभी लड्डू गोपाल को भी चढ़ाया। तो जैसे मैं बताती हूँ वैसे करते हैं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी बताना ही पड़ता है। तो अब ये माथा टेक रहा, आशीर्वाद ले रहा है, मुझे ना हर एक बात बताना ही पड़ता है। यहाँ भी मैंने बोला पहले आशीर्वाद, तो जाके आशीर्वाद लिया। इसका भी बर्थडे मनाना पड़ेगा। हां, इसका भी बर्थडे, इसका भी केक कटिंग होगा, आपका भी केक कटिंग होगा। हां, इसको भी गिफ्ट मिलेगा। आपको बॉल मिलेगा, इसको बैट मिलेगा। थैंक यू, ये भी खाओ। ले ले लो बेटा, खा लो, ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो। थैंक यू, दीदी को दे दो। मेरे हाथ से भी ये चॉकलेट भी ले आ रहा है। हाँ, इतना इसको अलग से रख लेना, और जल्दी बैग पैक करो, जल्दी टीका करो तनु इसको। वाटर बॉटल चल। स्कूल जाने से पहले भगवान जी को मैं बच्चों को बोलती हूँ कि प्रे करके जाओ, बाय, राधे राधे, लंच फिनिश कर लेना, आप चॉकलेट बांट देना सबको, पहले मैम का आशीर्वाद लेना, ठीक है? हाँ, आशीर्वाद लेके मैम को चॉकलेट देना, फिर फ्रेंड को, बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छी लग रही हूँ। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे छील रहे हैं मटर, मटर के बिना तो अधूरा है खाना। और देखो ना, मेरा हेयर स्टाइल आज थोड़ा चेंज लग रहा है, हेयर बैंड लगा दिया है। बेटा गया स्कूल चॉकलेट लेके अपने अपने फ्रेंड लोगों को, टीचर को बांटने के लिए। जब से उसके पापा टॉफ़ी लेके आए, तब से टॉफ़ी का डब्बा लेके वो घूम ही रहा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। खाने का भी उसको नहीं, भूख भी नहीं लगा है उसे आज, ज़बरदस्ती मैंने उसे खाया तो नहीं, लेकिन आज दूध पिया है, आज दूध पी के गया, कुछ खाया नहीं है, और मिठाई खाया है। हम लोग तो खाना वाना खा लिए, सब कामों से फ्री हो गए, तो अब यहाँ लगे हैं मटर छीलने में। बेटी का भी तबीयत खराब, तो फिर भी उसे नहला दिया, यहाँ धो के देखो रेडी हो गई है। लाडो इधर आओ, बोलो आज मेरे भाई का हैप्पी बर्थडे है। मेरे भाई का हैप्पी बर्थडे है। इतना आप खुद से कहोगी ना, कहने को तो नहीं कहेगी, अपनी मर्जी से कहेगी, कहने पे नहीं कहेगी। तो फटाफट छील ले, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। मैं तो लगी पड़ी थी फोन में, और ये देखो काफी देर से, जब यहाँ पे देखिए खाने का ये तैयारी भी कर लिया, मैं वहाँ आराम से बैठ के फ़ोन चला रही हूँ, अपना एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग कंप्लीट हो गया, पोस्ट कर दिया वीडियो, लेकिन थंबनेल नहीं बनाया, आराम से कल परसों बनाऊँगी। और मेरा सर इतना दुख रहा है ना, क्या बताऊँ, सही जा रहा है, आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, इतना सर में दर्द हो रहा है। और आज मेरे यहाँ बर्थडे है मेरे बेटे का, बताओ आज के दिन मेरे सर को दुखना था। देख, खाओगी चॉकलेट? नहीं, बेटे को चॉकलेट नहीं खाना है, खाओगी? पिंक, ओके, मैं ऑरेंज।
रेड ऑरेंज ओके खा लो। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी जा रही हूँ बना रही, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है और ठंड के मौसम में बहुत जल्दी, मतलब छोटा दिन होता है जल्दी शाम हो जाती है। तो पनीर को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और आलू गोभी की सब्ज़ी तो तनु ने बना ही दिया है, देखिए वो अब तो बनने ही वाली है, बन चुकी है। यहाँ पे मैंने पनीर को और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम मस्ती भी करते हैं और मैं तो खैर झूमते ही रहती हूँ। मटर को भून लिया, पनीर को भी फ्राई कर लिया, भून लिया तेल में। और यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर और अदरक, मिर्ची, लहसुन, ये सब और यहाँ देखिए ये लोग फिर फोटो को ऊपर भी उधर साइड में मत कर, थोड़ा डोंट वरी मम्मी, दीदी मेरे लिए गिफ्ट कब लाएगी बड़ी दीदी? अरे यार अगर मुझे तनु तेरे को गिफ्ट मांग रहा है, बोल मेरी नींद आ रही है, जब मैं जॉब कर दूंगी ना तो आपको ढेर सारे गिफ्ट दूंगी, ठीक है? मैं तो बोल रही हूं तेरे को बर्थडे मनाएंगे कर रहे हैं हम लोग, डेकोरेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ में गुब्बारे भी फोड़ रहे हैं और साथ साथ में डांस भी कर रहे हैं। तो लाइफ को है ना एंजॉय करना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए लाइफ को, सुख हो दुख हो जो भी हो सब मस्ती करना चाहिए। देखिए तनु मेरा हेयर स्टाइल कर रही है, पता नहीं आज मुझे क्या बनाने वाली है। Yeah.
ने रखा था नाश्ते में समोसा और बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह। बस तो ये जो हमारी सोसाइटी में रहती है भाभी हैं, उनको उनके बच्चे को बुलाया था और बोलते रही ना कि मैंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था। समोसा मत खाना, वैसे ही खाना नहीं खाएंगे। बाकी अगर अच्छे से करते तो सबको बुलाते तो अच्छा भी लगता। और वहाँ पर हम लोग बस वही समोसा और केक वगैरह खा रहे थे। जो भी पार्टी में आए थे अच्छे से पार्टी हो भी गया, बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे हम लोग खा रहे खाना, बेटी भी खा ली, बेटी को पहले खिला दिया, बच्चों को भी, बट नींद आ रही है उन लोगों को क्योंकि आज उन लोगों ने दिन में सोया नहीं है। किट्टू तो खैर स्कूल ही जाता है, पीयू भी दिन भर नहीं खेली, दिन भर इंजॉय की, इसलिए आज वो जल्दी सो गई और टाइम भी हो गया रात के एटलीस्ट 10 बज रहे हैं और खाने का भी टाइम हो गया है। तो ऐसे तो सोते नहीं है जल्दी, लेकिन दिन में नहीं सोते तो सो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे खाना और ये वो तो खा लिए मेरे हस्बैंड। अब ये तन्नू थी, इसको मैंने बोला चलो साथ में आ जाओ, बैठ जाते हैं खाने। दोस्तों हो गया हमारा यहाँ बर्थडे का सारा प्रोग्राम हो गया। देखो बर्थडे का वो जो बैनर है वो भी लटक के गिर गया और खाना भी हम लोगों ने खा लिया है। खाना भी खा लिया है, बच्चे भी सो गए हैं और मैं अब तन्नू यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और रील्स भी बना रहे थे। तो अब मैं रील्स मतलब मैं बनाती हूँ वो नहीं, तो अब चल रही हूँ सोने में भी चेंज करके। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोग प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जो भी नए हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर, और ये वीडियो पता नहीं कब तक जाएगा, आई डोंट नो, क्योंकि टाइम होगा तो एडिट करूँगी, एक दो वीडियो पहले उसे एडिट करके अपलोड कर दूँ। ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट।